हेलो दोस्तों, 2001 में आई गदर का नॉस्टैल्जिया आज भी तगड़ा है। उसके सोमादुर गाने, तालीपीठ संवाद, सनी देओल का भोला मगर जाबाज किरदार और सबसे अनोखा तारा सिंह का हैंडपंप उखाड़ना, वो तो भाई पॉप कल्चर फेनोमेना है। तो उसी नॉस्टैल्जिया को भुनाने के लिए डायरेक्टर अनिल शर्मा ने 22 लंबे साल बाद गदर का पार्ट 2 बनाया है, लेकिन कसम से ट्रेलर इतना खस्ताहाल लग रहा है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा आज भी 90s के दौर वाली फिल्मों में ही अटके हुए हैं। उसी दौर की आउटडेटेड फिल्म मेकिंग, वैसा ही मेलोड्रामा, वैसा ही लाउड विलेन जो अमरीश पुरी के नाखून बराबर भी नहीं, वैसे ही चलताऊ एक्शन सीक्वेंसेस, सस्ते VFX और कहानी के नाम पर सुपरहिट गदर की कहानी को ही लगभग दोबारा सुना देना। गदर में तारा सिंह ने अपनी बीवी के लिए पाकिस्तान में गदर मचा दिया था, तो गदर 2 में उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए पाकिस्तान को भर भर के कोसते हुए तारा सिंह अपने बेटे के लिए गदर मचाने वाला है, ऐसा ट्रेलर खुद बता रहा है अपनी फिल्म की लगभग पूरी ही कहानी बताकर। ऊपर से तारा सिंह के बेटे के रोल में उत्कर्ष शर्मा, जो कि डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं, काफी क्रिंज एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और डायलॉग तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि भरपूर साथ दे रही हैं। अमीषा पटेल, जिनकी आंखों का रंग इस बार क्यों इतना सुर्ख बैगनी है, गाढ़ा पर्पल, समझ नहीं आ रहा। क्या वे इस फिल्म में किसी एलियन के कॉन्टेक्ट में आई थी या फिर उनके अंदर सुपर पावर्स आ गई हैं जो आंखें बैगनी होते ही एक्टिव हो जाती हैं और आंखों से ही फेंक फेंक कर बैगन मारती हैं। खैर, इस खस्ताहाल ट्रेलर में उम्मीद की एकमात्र किरण सनी देओल नजर आ रहे हैं। तारा सिंह नाम के आइकॉनिक किरदार में उन्हें दोबारा देखना अच्छा लग रहा है। राइटर डायरेक्टर ने ये भी अच्छा काम किया है कि उनकी बढ़ी हुई उम्र को फिल्म में सही से जस्टिफाई किया है। पहले वाली गदर 1947 के पार्टीशन की कहानी थी, तो गदर 2 1971 में घटित होगी, जबकि तीसरा हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दरमियान। इसलिए गदर के जवान सनी देओल का गदर 2 में उम्रदराज देखना जस्टिफाई होता है और एक बार फिर वे तारा सिंह के किरदार में खूब जसते हुए नजर आते हैं। ऊपर से जिस तरह उनके हैंड पंप वाले आइकॉनिक सीन को यहाँ ट्रिब्यूट दिया गया है, वो वाकई मजेदार है। 2.5 किलो के हाथ से अगर वे हथौड़ा मारने के अलावा एक बार फिर हैंड पंप को उखाड़ लेंगे ना, तो थिएटर में उस सीन को देखने में कसम से बहुत मजा आएगा। वैसे भी गदर 2 को थिएटर में देखने बहुत सारी जनता जाने ही वाली है, भले ही ट्रेलर कितना भी खस्ताहाल क्यों न हो, क्योंकि गदर का नॉस्टैल्जिया इतना तगड़ा है कि उसे रिलिव करने के लिए ही हम लोग थिएटरों की तरफ खींचे चले जाएंगे। बस डर यही है कि कहीं ये नॉस्टैल्जिया क्रिंज में तब्दील न हो जाए, जैसा कि ट्रेलर इशारा कर रहा है, और एक अच्छी खासी पुरानी फिल्म की यादों को क्रिंज सीक्वल बनाकर अपमानित न कर दे। गदर 2 के पास विलेन भी कोई तगड़ा नहीं है, गदर के अमरीश पुरी की बराबरी कर सके ऐसा तो कोई भी नहीं, और गाने भी पुराने वाले क्लासिक ही हैं जो अपने फायदे अनुसार हमें नॉस्टैल्जी करने के लिए बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डायलॉग्स भी काफी लाउड हैं। ये कटोरा और भीख वाली बातें आखिर आप कब तक दोहराते रहेंगे। तो इंतजार करते हैं 11 अगस्त का, फिल्म की रिलीज के दिन का, तभी पता चलेगा कि फिल्म के पास सच में कुछ नया कंटेंट मौजूद है भी या नहीं, या फिर ये हमारी नॉस्टैल्जिया वाली इंद्रियों को खुश करने का बहाना बनाकर सिर्फ और सिर्फ पहली वाली गदर की सस्ती नकल ही परोसने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में।